नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 26 मार्च तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 27 मार्च से लेकर आज तक यानी कि 9 अप्रैल तक के छत्तीसगढ़ के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबका एनालिसिस करेंगे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कुछ खास कंटेंट आ नहीं रहे हैं, इसलिए बीच में गैप भी ज़्यादा हो गया है। फिर भी इस बीच में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं सबका यहाँ पर ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। जो भी टॉपिक्स होगा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से बताऊँगा, पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊँगा। आप लोग आराम से नोट्स बनाते चलिएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो ऐसी पूरी कोशिश मेरी रहेगी। शुरुआत करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसा आप लोगों को बताया कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का हर महीने करेंट अफेयर का मैगजीन प्रकाशित होता है, लेकिन इस महीने लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से मैगजीन मार्केट में जा नहीं सकती, इसलिए मैगजीन का सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा दिया गया है, फेसबुक पे भी अवेलेबल करवाया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस मैगजीन का आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी फीस या शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल मुफ्त में इस मैगजीन को डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ सरकार को खनिज से 6,165 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के लिए। तो इस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा यही है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में छत्तीसगढ़ को जो मिनरल से रेवेन्यू जनरेट हुआ है कितने का हुआ है, 6,165 करोड़ रुपए का हुआ है। यह जो रेवेन्यू है पिछले फाइनेंशियल ईयर से 55 करोड़ रुपए ज़्यादा है, यानी कि 2018 और 19 फाइनेंशियल ईयर में छत्तीसगढ़ को जो मिनरल से रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो हुआ था आपका 6,110 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर नंबर 5 में जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की बात की गई है वहाँ पर आप इस टॉपिक का यूज़ कर सकते हो, या फिर प्रीलिम्स के लिए भी आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में छत्तीसगढ़ को मिनरल से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा 6,165 करोड़ रुपया। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के मिनरल्स की यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो आप लोगों को पता है कि पूरे इंडिया में मिनरल्स प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो चौथे नंबर पर आता है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है रिचेस्ट इंडियन स्टेट आता है इन टर्म्स ऑफ मिनरल में। तो याद रखिएगा, मिनरल्स प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ ओवरऑल इंडिया में जो है वो चौथे नंबर पर आता है। और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में छत्तीसगढ़ के GDP की बात करें तो वो लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए का था। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में ये जो छत्तीसगढ़ का GDP है वो अनुमानित किया गया है 3,68,000 करोड़ रुपए का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 से 10% ज़्यादा। और 2019 और 20 में मैंने छत्तीसगढ़ का GDP कितना बताया, 3,30,000 करोड़ रुपए का। और इसमें जो खनिज का कंट्रीब्यूशन है, खनिज जो राजस्व का कंट्रीब्यूशन है वो है आपका लगभग 2% के आसपास। तो इस तरह से कुछ डेटा भी आप लोग याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के GDP में मिनरल का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि पूरे ओवरऑल इंडिया में छत्तीसगढ़ में मिनरल्स की सिचुएशन किस प्रकार से है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में छत्तीसगढ़ को मिनरल से कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, 6,165 करोड़ रुपए का, ठीक। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में रोजगार कार्यालय द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इस आंकड़े में कहा जाता है कि प्रदेश में अभी वर्तमान समय में 22 लाख शिक्षित बेरोजगारों की संख्या है, और यह आंकड़ा किसका है, जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया है। इसमें कहा जाता है कि अगर हम जिलेवार संख्या देखें तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारों की संख्या है वो दुर्ग जिले में आता है, जहां इसकी संख्या है 2,42,000 के आसपास। इसके बाद सेकेंड नंबर पर रायगढ़ आ जाता है, जहाँ बेरोजगारों की संख्या है 1,91,826। और उसके बाद अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर यहाँ पर 8वें स्थान पर आ जाता है बेरोजगारों के मामले में, जहाँ संख्या है 88,952। तो छत्तीसगढ़ में अगर टोटल मिला लें तो बेरोजगारों की संख्या पिछले एक साल के आंकड़ों के हिसाब से जो है वो है लगभग 22 लाख। अगर हम लोग पिछले ईयर की बात करें यानी कि 2019 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारों की संख्या थी वो 23,28,000 था। हालांकि अगर आंकड़े देखोगे तो पिछले एक साल में 1 लाख की कमी आई है बेरोजगारों की संख्या में से, लेकिन फिर भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर वर्तमान समय में 22 लाख बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, तो ये भी आंकड़ा कम नहीं होता है। तो ये आपका जो टॉपिक है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में अगर बेरोजगारी से रिलेटेड कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या
छत्तीसगढ़ में रोजगार से संबंधित कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इसका आंकड़ा इस्तेमाल कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारों की स्थिति है कब से लेकर जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक ये नंबर है लगभग 22,000। आप पिछले साल से कंपेयर भी कर सकते हो कि पिछले साल जहां बेरोजगारों की संख्या 23,28,000 के आसपास हुआ करता था वो इस वर्ष 22,00,000 पर आकर रुका हुआ है। तो 22,00,000 भी बेरोजगारों की अगर संख्या है तो कम नहीं है, फिर भी आप इसका इस्तेमाल मेंस में बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और जिले वाइज भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दुर्ग सबसे पहले नंबर पर आ जाता है, उसके बाद रायगढ़ आ जाता है, उसके बाद रायपुर का नंबर आ जाता है। मैगजीन में बहुत बेहतर तरीके से इसमें कंटेंट का उल्लेख भी किया गया है, तो आप ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ोगे तो आपको मैगजीन में और सारे डिटेल्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ ने एक विकास योजना तैयार किया है। यह विकास योजना क्या है, चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए लघु वनोपज संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ ने 200 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस 200 करोड़ रुपए के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लगभग 8,00,000 क्विंटल लघु वनोपज को संग्रहित किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास योजना तैयार किया है। इस विकास योजना पर 200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए और इससे लगभग 8,00,000 क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी की जाएगी। और यह लघु वनोपज की खरीदी जो है वो महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जाएगा, यानी कि प्रायोरिटी पे रखा जाएगा महिला स्व सहायता समूहों को। प्रदेश में लगभग 5,500 महिला समूहों के द्वारा यह लघु वनोपज की खरीदी की जाएगी, जिससे यहाँ प्रदेश की लगभग 50,000 महिलाओं को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज पर आधारित जो विकास योजना तैयार किया गया है 200 करोड़ रुपए का, आप इसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से रिलेटेड पेपर नंबर 5 में कर सकते हो, वहां पर भी डेटा, या फिर छत्तीसगढ़ में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन डेटा का इस्तेमाल वहां कर सकते हो, या फिर छत्तीसगढ़ में वनांचल लोगों के लिए क्या किया जा रहा है तो वहां भी आप इस डेटा का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर और आंकड़ा देखोगे तो 2018 तक छत्तीसगढ़ में जो है सिर्फ 7 वनोपज पर जो समर्थन मूल्य दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कितने वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाता है, तो टोटल 22 ऐसे लघु वनोपज पर हैं जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। तो इन सब सारे डेटा का इस्तेमाल यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर वनोपज के संग्रहण से संबंधित एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बाजार स्तर पर है 866 वनोपज संग्रहण केंद्र खोला जाएगा, इसके अलावा हाट बाजारों में भी 139 वन उत्पाद संग्रहण केंद्र खोला जाएगा। तो आप इस तरह से भी इन आंकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो प्रदेश का पहला साइबर थाना है। तो प्रीलिम्स के लिए आपसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्रदेश में पहला साइबर थाना कौन से जिला या फिर कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा रायपुर में इसको स्थापित किया गया है और इसको स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय रायपुर में। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि प्रदेश का पहला साइबर थाना जो है वो आपका रायपुर में स्थापित किया गया है। तो प्रीलिम्स के लिए आपसे सिर्फ यहाँ पर इतना ही पूछा जा सकता है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर आप कहीं पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कुछ आपके सामने मैं आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका इस्तेमाल आप मेंस के पेपर में भी कर सकते हो अगर छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ होम मिनिस्ट्री द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम से रिलेटेड, जिसमें कहा गया कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में छत्तीसगढ़ में जो साइबर क्राइम हुए हैं उसमें दर्ज मामलों की संख्या है 781, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में 144 साइबर क्राइम के मामले दर्ज हुए, 2017 और 18 में 359 और 2018 और 19 में 268 साइबर क्राइम के मामले दर्ज हुए। और अगर हम रायपुर की बात करें, ये टोटल आंकड़ों में जो टोटल आंकड़ा है 3 फाइनेंशियल ईयर का 781 साइबर क्राइम हुए हैं, जिसमें से रायपुर में 225 सबसे अधिक साइबर क्राइम हुए हैं। तो इस तरह से इन डेटा का इस्तेमाल अगर छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बखूबी वहां पर वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल का नाम है पढ़ाई तुहर द्वार,
यानी कि पढ़ाई आपके द्वार पर। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, हमारे प्रदेश में भी लॉकडाउन है, तो इससे छात्रों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। तो प्रदेश में स्कूली छात्रों को उनके घर तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल डेवलप किया है। उस पोर्टल का नाम है पढ़ाई तुहर द्वार। इसके माध्यम से बच्चों को जो है घर में शिक्षा दिया जाएगा ऑनलाइन। उनके जो टीचर्स हैं या फिर जो स्टेट के टीचर हैं वो बच्चों को डायरेक्ट ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे और बच्चे ऑनलाइन माध्यम से वहां पर पढ़ेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से टेस्ट भी दे सकते हैं, उनको होमवर्क भी दिया जा सकता है, सारी सुविधा इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है। और इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के छात्रों को लाभ पहुँचेगा, यानी कि वो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के बच्चों को इसका अभी वर्तमान समय में लाभ मिल रहा है। हालांकि आने वाले समय में ऐसा भी कहा जा रहा है कि 11वीं और 12वीं के छात्रों को भी इससे लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक के छात्रों को लाभ मिल रहा है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आने वाले समय में अगर मेंस में कहीं छत्तीसगढ़ से आपसे एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह से भी वहां पर वैल्यू एडिशन कर सकते हो। इस पोर्टल का नाम का जिक्र वहां पर कर सकते हो और इसके ऑब्जेक्टिव का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर छत्तीसगढ़ में एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड या छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं उनके आंकड़ों का इस्तेमाल आप मुख्य परीक्षा में कर सकते हो और प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। हाल ही में 10 राज्यों का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया संसद में राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें कहा जाता है जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में, उसके तहत में ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ को 10 राज्यों में 6वें स्थान पर रखा गया है, यानी कि आप कह सकते हो निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाने के मामले में छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहा है। इस आंकड़ों में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ ने यह टारगेट रखा था पिछले एक साल में कि निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और ये बच्चों की संख्या होगी लगभग 89,000, लेकिन इस लक्ष्य के विरुद्ध 50% का आंकड़ा भी छत्तीसगढ़ यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सका है। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ को इन 10 राज्यों में 6वें स्थान पर रखा गया। अगर पहले स्थान पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने राइट टू एजुकेशन के क्षेत्र में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने के मामले में सबसे टॉप पर है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आ जाता है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आ जाता है और छत्तीसगढ़ का नंबर आ जाता है यहाँ पर आपका 6वें स्थान पे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि पिछले एक साल में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क में निजी स्कूल में प्रवेश दिलाने का जो लक्ष्य रखा गया था वो 89,000 बच्चों का रखा गया था और उसके विरुद्ध 50% तक भी यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ टच नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा व्यवस्था में छत्तीसगढ़ यहां पर पिछड़ा हुआ दिखता है। इस तरह से जो मैंने आंकड़े बताए राइट टू एजुकेशन के तहत, तो उसका इस्तेमाल आप बखूबी अपने मेंस में कर सकते हो। कहीं भी अगर आपसे छत्तीसगढ़ एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर शिक्षा के अधिकार से कहीं भी क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से संबंधित। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019 और 20 में जितना कोयला का प्रोडक्शन किया वो है आपका 150.548 मिलियन टन, और ये पहली बार है कि SECL ने लगातार दो फाइनेंशियल ईयर में 150 मिलियन टन से ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में भी SECL ने 150 मिलियन टन से ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया है। अगर इसमें और कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें तो, और आप लोगों को यहाँ पर पता है कि SECL जो है वो कोल इंडिया के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है, और टोटल अगर हम लोग कोल इंडिया के प्रोडक्शन की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में तो कोल इंडिया ने टोटल प्रोडक्शन किया है 602.14 मिलियन टन, जिसमें से 150.548 मिलियन टन का जो उत्पादन है वो SECL ने किया है, यानी कि कोल इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का जो हिस्सेदारी है वो 25% SECL ने किया है, और कोल इंडिया के जितनी भी कंपनीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन SECL की तरफ से किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसका छत्तीसगढ़ की इकॉनमी है इंडियन इकॉनमी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कहीं भी लगता है इसका वैल्यू एडिशन किया जाए तो आप बिल्कुल कर सकते हो। SECL की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई, 1985 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सवाल है
कि ACCL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और पहले ही मैं बता चुका हूँ, ACCL जो है कोल इंडिया के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, इसके बाद जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है, हाल ही में राजस्व विभाग द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया और इस आंकड़ों के अनुसार 13 सालों में राजस्व विभाग सिर्फ एक गांव तक पहुंचकर सर्वे करा पाया है। मैं बात कर रहा हूं अबूझमाड़ इलाके का। अबूझमाड़ इलाके में टोटल 237 गांव आते हैं और इस 237 गांव में से सिर्फ एक गांव का सर्वे किया गया है राजस्व विभाग द्वारा, यानी कि 236 गांवों तक छत्तीसगढ़ सरकार की या केंद्र सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर उन क्षेत्रों में सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, या जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, बिजली की जो व्यवस्था है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो अबूझमाड़ का इलाका है कितना दुर्गम इलाका है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ अगर पिछड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि हम आज भी अबूझमाड़ के बहुत सारे इलाकों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो हाल ही में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया कि जिसके अनुसार कहा जाता है कि नारायणपुर में है आपका अबूझमाड़ और 13 साल इस जिले को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन 13 साल में इस अबूझमाड़ के 237 गांवों में से सिर्फ एक गांव का सर्वे हो पाया है। 236 गांव का सर्वे आज तक नहीं हो पाया। अबूझमाड़ की अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा बात करें तो अबूझमाड़ का जो टोटल एरिया है वो लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत घना जंगल है और इस क्षेत्र में मड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, झूम खेती की जाती है, घोटूल संस्कृति यहां पर पाया जाता है और अबूझमाड़ इतना दुर्गम इलाका है, वहाँ पहुँचना इतना मुश्किल है और माना जाता है कि अबूझमाड़ में नक्सलिज्म जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और 2009 तक तो यहाँ तक इस इलाके में जाना बैन भी था, अगर इस इलाके में किसी को जाना होता था तो उसे पहले कलेक्टर से परमिशन लेना होता था, लेकिन 2009 के बाद इस इलाके से जो है वो बैन हटा लिया गया। अबूझमाड़ की अगर और हम लोग बात करें तो ये दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी इसके जंगल फैले हुए हैं। तो अबूझमाड़ अभी भी कहीं ना कहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है, आप एक तरह से इसे कह सकते हो, क्योंकि उस क्षेत्र में न सड़क है, न बिजली की व्यवस्था है, ना ही कोई बुनियादी सुविधाएं हैं। क्योंकि सर्वे के इस आंकड़े के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 237 गांवों में से सिर्फ एक गांव में अभी तक सर्वे हो पाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अबूझमाड़ से रिलेटेड या छत्तीसगढ़ के विकास से रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहां पर इन डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह सकते हो कि अबूझमाड़ तक जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, हम नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से विकसित हो पाया या छत्तीसगढ़ के पूरी वनांचल एरिया में विकास का काम हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो डोनेशन ऑन व्हील अभियान से रिलेटेड है। कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है, हालांकि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर पूरे इंडिया का आप नंबर देखोगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ से कंपेयर करोगे तो आप छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर स्थिति में पाओगे। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्टेट सबसे बेहतर स्थिति में है तो टॉप 10 स्टेट में छत्तीसगढ़ का नाम आ जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं और बहुत अच्छी अच्छी पहलें भी की है। उसी में से एक पहल है आपका ये, जिसे मैंने बताया डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान। इस अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। जो लोग सक्षम हैं उनके घर से राशन या फिर जो भी सूखा अनाज है वो कलेक्ट किया जा रहा है और जिनको इसकी जरूरत है इस अभियान के तहत उन लोगों तक राशन की सुविधा पहुंचाया जा रहा है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस अभियान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, आज के इस डिस्कशन में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है GST क्षतिपूर्ति से रिलेटेड। GST क्षतिपूर्ति का मतलब होता है GST कंपनसेशन। देखिए, जब GST लॉन्च किया गया था तो उसमें प्रावधान था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अमीर राज्य थे जिनका रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन राज्यों का कहना था कि GST लाने से कहीं ना कहीं जो जितना रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से, GST के बाद हमें उतना रेवेन्यू नहीं प्राप्त होगा, तो
केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि आगामी 5 सालों तक के लिए जो भी आपको नुकसान होगा वो जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत यानी कि जीएसटी कंपनसेशन के तहत आपको प्रदान किया जाएगा। तो इसी के तहत छत्तीसगढ़ को भी जीएसटी कंपनसेशन के तहत में क्षतिपूर्ति दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ये टॉपिक आज हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की तरफ से 341.56 करोड़ रुपए का जीएसटी क्षतिपूर्ति मिला है। यहाँ पर एक आंकड़ा भी रखा गया है। इस आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2020 तक छत्तीसगढ़ का जो जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत में केंद्र सरकार के पास में बकाया है वो है लगभग 1896 करोड़ रुपए का, जिसमें से 341.56 करोड़ रुपए 2 महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति मिला है यानी कि अक्टूबर और नवंबर का। दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का क्षतिपूर्ति लगभग 1500 करोड़ रुपए का अभी भी केंद्र के पास बकाया है। तो आप इसका इस्तेमाल अगर चाहो तो मुख्य परीक्षा में आंकड़ों के तौर पर कर सकते हो, वैल्यू एडिशन के तौर पर कर सकते हो। और जीएसटी क्षतिपूर्ति से रिलेटेड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता देता हूँ। जीएसटी 2017 में लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 तक। क्षतिपूर्ति राज्यों को दिया जाएगा कब तक? आपका 2022 तक, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था 5 सालों तक जो भी इससे आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगा। और इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया था, उस एक्ट का नाम था जीएसटी राज्यों से मुआवजा अधिनियम 2017। तो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन अगर क्षतिपूर्ति से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप इसका वैधानिक प्रावधान भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। टोटल 9 टॉपिक हमने एनालिसिस किया और पिछले जो 10 से 12 दिनों में है ये 9 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और ये पिछले 10 से 11 दिनों में 9 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक बात और, घर बैठे अगर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, अपने समय को यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आप हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़ सकते हो। मोबाइल कोर्स की डिटेल जो है सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट competitioncommunity.com पर भी विजिट करके मोबाइल कोर्स से जुड़ी सारी जानकारी वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा मैगजीन डाउनलोड बिल्कुल कर लीजिएगा, मैगजीन आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। हालांकि मोबाइल कोर्स 4200 का है, 4200 की जगह अभी आपको सिर्फ 3000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन मैगजीन का कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो वेबसाइट से भी मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे जो लिंक अवेलेबल करवाया गया है वहाँ से भी मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोटिफिकेशंस के लिए, या फिर हमारी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया जाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया जाता है। हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो फेसबुक या टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा कंपटीशन कम्युनिटी रायपुर, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो घर में रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।